हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आज हम लोग पढ़ेंगे जय प्रक्रम का पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है और क्लोरोफिल आवश्यक है। सारी मैंने डिस्कस किया था पार्ट वन वीडियो में, और आज की इस पार्ट टू वीडियो में हम पढ़ेंगे जय प्रक्रम का लेसन टू। ठीक है, लेसन वन है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जितना भी हमें समझाने की जरूरत होगी मैं आपको उतने से उतना ज्ञान दूंगा। वीडियो में बने रहना, वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करें। अगर आप नए स्टूडेंट हो, क्लास टेंथ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है 15, कहता है कि अमीबा का भोजन क्या है। अमीबा का भोजन क्या है, तो देखिए आंसर, अमीबा का भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि, ये जो है अमीबा का भोजन है। आपके सब्जेक्टिव के रूप में ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भोजन क्या है, तो आप बोलेंगे कि हमारा भोजन है मांस, ये सब्जी, फल, ये सब आपका भोजन है ना। तो उसी प्रकार अमीबा का भोजन क्या है, ये दो नंबर का आएगा। तो अमीबा का भोजन जो है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बैक्टीरिया है, डाइटम है और अन्य छोटे एक उसके जीव एवं मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े जो है अमीबा का भोजन है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकेंड नंबर अगले क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न नंबर 16। ठीक है, अमीबा का आकार बदलता रहता है क्यों। अमीबा का आकार बदलता रहता है क्यों, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो अमीबा का आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। ठीक है, आपको पता होगा अमीबा में जो है उत्पाद बनता है। ठीक है, अमीबा में क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो वही अमीबा में जब उत्पाद बनता है, तो उसी को बनने और बिगड़ने के कारण जो है अमीबा का आकार बदलते रहता है। जैसे कि अमीबा जरा को रहता है, तो उसका आकार जब बढ़ता है या उसका बिगड़ता है, तो वो जो है उसका आकार जो है बदलता रहता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इतना समझ लीजिए कि अमीबा का जो आकार है वो एक जैसा नहीं होता है, हमेशा बदलता रहता है। और क्यों बदलता है, तो समझ गए ना, उत्पाद के बनने और बिगड़ने के कारण हमेशा बदलते रहते हैं। सिंपली सी उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार से होता है। अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि भोजन को खाना है ना, अमीबा के पेट में यानी कि उसके शरीर में भोजन का जाना यानी भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार से होता है। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मनुष्य पर लेते हैं, कि मनुष्य का भोजन का अंतर्ग्रहण जो है किस प्रकार होता है, तो मुख गुहा से शुरू होता है भोजन यानी कि मनुष्य में। तो उसी प्रकार है कि अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है वो किस प्रकार होता है। देखिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण के लिए मुख्य जैसे कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि मनुष्य के भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख्य गुहा जैसे निश्चित स्थान होते हैं, मुख यानी कि मुंह। ठीक है, तो अमीबा में जो है मुख्य जैसे कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर के किसी भी स्थान से हो सकता है। यानी अमीबा जो है शरीर के किसी भी स्थान से अपना भोजन जो है अंतर्ग्रहण कर सकता है, अपना भोजन जो है प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। देखिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण का यानी कि उसका अंतर्ग्रहण जो है वो खाना किस प्रकार खाता है। ठीक है, तो मैंने तो शुरू में आपको बताया था मनुष्य को एग्जांपल लेकर के, कि मनुष्य का जो शुरुआत जो होता है भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो मुख होता है। मुख मतलब क्या होता है, मुंह होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है अमीबा में जो है, इतना समझिए कि अमीबा में जो है कोई निश्चित स्थान जो है मुख जो है कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि जो है यह शरीर के किसी भी स्थान से अपना भोजन को अंतर्ग्रहण कर सकता है, यानी अपना भोजन को अपने से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और अगर मनुष्य के बारे में बोले तो क्या होगा, मुख गुहा जो है उसका निश्चित स्थान होता है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल कहता है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ और किसके द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ और किसके द्वारा होता है। देखिए, अमीबा में भोजन का पाचन जो है भोजन राजधानी में एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, समझिए, अमीबा में भोजन का पाचन राजधानी में होता है। ठीक है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो राजधानी में होता है। और किसके द्वारा होता है, तो एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, जब ये लेसन खत्म हो जाएगा तो मैं आपको
लाइव में आकर या ऑब्जेक्टिव के रूप में मैं आपसे क्विज भी करूंगा, यानी अगर जय प्रक्रम का लेसन खत्म हो गया तो जय प्रक्रम से निचोड़ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे छाट लेंगे और छाटने के बाद मैं आपसे जो है क्वेश्चन और आंसर कराऊंगा, ठीक है। तो याद रखना, ये भी सवाल दे सकता हूं मैं आपको, अमीबा में भोजन का पाचन कहां होती है? तो याद रखना, रसधानी में होती है। और किसके द्वारा होती है? तो एंजाइम के द्वारा होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, आहार नाल क्या है? ठीक है, आहार नाल क्या है? इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए यह सारा क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको एक पर्सनल ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, जिसका मात्र फी है 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया आपसे इसलिए लिया जा रहा है कि चैनल के सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो आप लोग अगर हैंडराइटिंग का सब्जेक्टिव नोट्स लेना चाहते हैं, गेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, हर एक लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो प्लीज आप पर्सनल ग्रुप में ऐड होएं, उसके लिए मात्र आपको 100 रुपया लिया जाएगा। और इस नंबर से हमें कॉल कीजिए, सॉरी कॉल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मैसेज कीजिएगा तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगा और कॉल को नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर से मैसेज कीजिए कि हमें ग्रुप में ऐड होना है पर्सनल ग्रुप में, तो मैं आपको ऐड करूंगा और आपको पे फोन गूगल पे या पेमेंट करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। मात्र 100 रुपया, आपसे ज्यादा पैसा नहीं लिया जा रहा है, ऑल सब्जेक्ट का आपको जो है नोट्स दिया जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं, आप लोग आई होप समझ गए होंगे आहार नाल क्या है। तो आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 मीटर से 10 मीटर होती है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर यह मलद्वार तक होती है, ठीक है। ये जितने भी हैंडराइटिंग का नोट्स और आंसर मैं दे रहा हूँ ये अपने दिमाग से दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है साइंस पर आधारित नहीं है, ये जो है ऐसा मैं आपको आंसर बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए आपको समझ में आ जाएगा आहार नाल क्या है। शुरुआत से बढ़ते हैं, आहार नाल एक कुंडलित रचना है, ठीक है। आहार नाल जो है मनुष्य में वो एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर है, ठीक है। आहार नाल की लंबाई जो होती है वो होती है 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है, और यह मुख्य गुहा से शुरू होता है और मलद्वार तक होती है, यानी कि मुख्य गुहा जो मनुष्य का मुख्य गुहा होता है वहां से शुरू होकर के मलद्वार तक होती है। ये है आहार नाल का पूरी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। तो आप ये बातें लिख सकते हैं, आहार नाल के बारे में बहुत सारी कई बातें हैं लेकिन ये बातें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो टीचर जांचेंगे ये सारी बातें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनती हैं। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, दांत कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखे। दांत कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखे। तो दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है देखिए, पहला होता है कतरनक दांत, ठीक है, कतरनक दांत जिसको कहते हैं एनसाइजर, ठीक है। दूसरा देखिए भेदक दांत, ठीक है, भेदक दांत इसको कहते हैं काइनाइन। क्लियर है? देखिए पहला जो है कतरनक है, दूसरा भेदक है, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक, ठीक है, यानी कि प्रीमोलर और मोलर। तो याद रखना, आप लोग तो इंग्लिश में नहीं याद कर सकते हैं लेकिन हिंदी में तो याद कर सकते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3, 4। चलिए इसका आंसर बताइएगा कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है? पहला कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके आगे कहता है कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने लार ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि मनुष्य के जो मुंह होती है, मुख गुहा जो हमारा शुरू से जो खाना प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका भोजन का अंतर ग्रहण होता है वही उसको कहते हैं मुख, ठीक है। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी जो है लाल ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य के मुख गुहा में। पहला ग्रंथि देखिए, पहला ग्रंथि है पैरोटिक ग्रंथि, ठीक है, पैरोटिक ग्रंथि। दूसरा है सब मैंडुलर ग्रंथि और तीसरा है सब लिंगुअल ग्रंथि, ठीक है। ये 3 प्रकार के ग्रंथि है जो आपके और हमारे मुख गुहा में जो है लाल ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। 3 जोड़ी है, पहला है पैरोटिक ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि, ठीक है। ये 3 प्रकार के ग्रंथि है। आपको तो याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत हुई थी लेकिन आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 22 नंबर सवाल लिखिए, अमाशय कितने भागों में बटा है उसके नाम लिखे। तो अमाशय जो है 3 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा है। पहला देखिए अग्रभाग जो है, यानी कि अग्रभाग यानी कि पहला भाग, मध्य भाग, ठीक है, सॉरी पहला भाग मतलब प्रथम भाग, ठीक है। तो अमाशय का जो 3 भाग है, पहला देखिए अग्रभाग को कहते हैं कार्डियक,
कार्डियक, कार्डियक कहेंगे, ठीक है। और दूसरा देखिए मध्य भाग यानी कि बीच वाला भाग को हम कहेंगे फुंडिट, क्या कहेंगे, फुंडिट भाग, ठीक है। और तीसरा को कहेंगे यानी कि पिछले वाले भाग को कहेंगे हम पाइलोरिक भाग, ठीक है। ये आमाशय जो है तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि आमाशय कितने भाग में बटा होता है, तीन भागों में बटा होता है। तो पहला से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में समझें, हाथ में समझेंगे, जैसे पूछेंगे कि ये सीढ़ी कितना लंबा है, तो इसको तीन भागों में बांटो, तो एक यहां बांटेंगे ना, एक यहां बांटेंगे, एक यहां बांटेंगे। उसी प्रकार है कि आमाशय कितने भागों में बटा है, तो तीन भागों में बटा है। इसको पहला भाग मानिए, इसको मध्य भाग, और इसको क्या मानिए, तीसरा भाग। तो पहला भाग क्या है, अग्र भाग को कार्डियक कहेंगे, और मध्य भाग को हम कहेंगे फुंडिक, और पिछले भाग को कहेंगे पाइलोरिक। क्लियर है यहां तक? चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, उसके नाम लिखे। तो ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और एक वीडियो आ रहेगा जय प्रकरण का, तीन वीडियो में आपका लेसन समाप्त हो गया है। इससे पहले के प्रकाश का परावर्तन का पूरा लेसन समाप्त हो गया है। अगर आप प्रकाश का परावर्तन की तैयारी नहीं किए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें भी जो है तीन या चार वीडियो में प्रकाश का परावर्तन का खत्म हो चुका है। वाली प्रकाश का परावर्तन में बचा है तो सिर्फ न्यूमेरिकल बचा है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा लाने की, ठीक है। तो देखिए जठर ग्रंथि की कोशिकाएं जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए जठर ग्रंथि की कोशिकाएं जो है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार को होते हैं। आइए उनके नाम जानते हैं। पहला है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं। श्लेष्मा बोलो चाहे म्यूकस बोलो, बात बराबर है। जैसे कि एक एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल है कि आभासी या काल्पनिक, चाहे आप काल्पनिक को आभासी बोलो या आभासी को काल्पनिक बोलो, उसमें भी बात बराबर था। इसमें भी वही है कि चाहे आप श्लेष्मा बोलो या आप म्यूकस बोलो, बात बराबर है, ठीक है। तो पहला जठर ग्रंथि क्या है, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं। दूसरा है कि अम्लजन कोशिकाएं। तीसरा है जाइमोजिन कोशिकाएं। ये जो है जठर ग्रंथि की कोशिकाएं हैं, तीन कोशिकाएं हैं, श्लेष्मा या म्यूकस, अम्लजन कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं। क्लियर है? चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, जठर रस किसे कहते हैं, जठर रस किसे कहते हैं। तो देखिए जठर रस जो है म्यूकस कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं और जाइमोजिन कोशिकाएं के स्राव का सम्मिलित रूप को हम जठर रस कहते हैं। इसको समझाऊंगा बहुत ही अच्छे प्रकार से, पहले आप इसको याद कीजिएगा, ठीक है। देखिए जठर रस की कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, श्लेष्मा म्यूकस, अम्लजन कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं। तो अगर ये याद होगा आपको तो जठर रस जो है आसानी से याद हो जाएगा। देखिए जठर रस यानी कि जठर मतलब क्या होता है, जठर के यानी कि जठ के, गठ के पूरा रखा हुआ है, ठीक है। तो जठर रस उसे कहेंगे जिसमें म्यूकस कोशिकाएं और अम्लजन कोशिकाएं और जाइमोजिन कोशिकाएं का स्राव होता है, यानी कि ये तीनों कोशिकाएं का सम्मिलित रूप से स्राव होता है, ठीक है, सम्मिलित रूप से स्राव होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोले कि यहां पर जैसे रहा, यहां पर रहा नींबू, यहां अंगूर रहा, और यहां रहा तरबूज का, और यहां रहा पपीता या मानो आम, ठीक है। और ये तीनों क्या है, फल है। अगर मैं तीनों को एक सम्मिलित रूप से स्राव कर देंगे, मिला देंगे, तो एक जठर टाइप का बनेगा ना, उसी प्रकार है, ठीक है। यानी कि अगर आप ये तीनों को मिलाओगे तो दूसरे स्वाद में बदल जाएगा। उसी प्रकार जठर रस उसे कहेंगे म्यूकस कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं और जाइमोजिन कोशिकाओं को जब सम्मिलित रूप से स्राव होगा, उसे हम जठर रस कहेंगे। क्लियर है यहां तक? 25 नंबर सवाल देखिए, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है, यानी आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है। तो उत्तर देखिए, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा, ठीक है। तो जय प्रक्रम से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे जो है 10th क्लास में ज्यादा इसी से पूछते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, पूरी निचोड़ लाऊंगा, एक वीडियो तो निचोड़ बना दिया हूं, लेकिन उतना भी क्लियर नहीं है। अगर आप सब्जेक्टिव से तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करवाएंगे, एक वीडियो और लाएंगे जय प्रक्रम का, उसमें जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम जो रहता है, भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करना। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो भोजन के साथ बैक्टीरिया आता है उसको नष्ट करता है, कौन करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में ये पूछ देगा आपसे कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक का क्या काम रहता है, ऑप्शन दे देगा चार। तो आपको याद रखना है कि भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आता है उसको नष्ट करना जो है हाइड्रोक्लोरिक का काम रहता है।
क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में 25 क्वेश्चन रखेंगे और अगले जो हमारा पार्ट थ्री जो वीडियो आएगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपका जय प्रक्रम का लेसन जो है समाप्त करूं, उसके बाद में अगले चैप्टर की ओर बढ़ूं, ठीक है। तो अभी तो दो ही चैप्टर खत्म हुआ है जिसका नाम है प्रकाश का प्रावर्तन और जय प्रक्रम, ठीक है। और अभी तो सामाजिक विज्ञान का भी पढ़ना है और अभी रसायन विज्ञान यानी कि जिसको कहते हैं केमिस्ट्री, उसको भी मैंने अभी एक भी लेसन भी नहीं बताया है। तो नहीं, एक तो जो है बता चुका हूँ, एक लेसन लगता है कि समाप्त हो चुका है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका जो है वीडियो बन चुका था लगता है लगभग में, ठीक है। तो आप लोग को जितना मैं तैयारी करवाऊंगा तैयारी करिएगा तो आपके हिसाब से मुझे लगता है कि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप ऐड नहीं हुए ग्रुप में तो ऐड हो जाइए, ये सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करके याद करिए, याद करने के बाद मैं आपसे जो पूछूंगा क्वेश्चन और आंसर रिविजन कराऊंगा तो उसका आंसर अगर आप सटीक देते हैं तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल 100% जो है करेक्ट में जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए मैं यहाँ पर वीडियो को लास्ट करता हूँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो एक बार और मैं कहूंगा कि इस नंबर से हमें बात करें और कुछ भी करके आप ग्रुप में ऐड होने की कोशिश करें क्योंकि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मैं लास्ट करता हूँ वीडियो को, थैंक यू, डेट्स ऑल।